अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स कैसे हैं आप लोग सब उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे खुश होंगे और मजे में होंगे तो ये है जी शाम का टाइम और अम्मी बना रही थी फ्रूट चाट और बहुत ही मजे मजे वाली फ्रूट चाट बनने वाली थी क्योंकि ना फ्रूट आजकल ना अच्छे आए हुए हैं मतलब खट्टे मीठे से फ्रूट्स आए हुए हैं और केले तो हैं ही प्लेन वाले <laughs> नहीं केले का भी टेस्ट अच्छा होता है <laughs> और ये है वो है क्या है इसको क्या कहते हैं आलू नहीं क्या कहते हैं मुझे नाम ही नहीं हुआ तो प्लम्स सहेंगे भाई <laughs> उसको आलू बुखारे ही कहते हैं <laughs> सूखने के बाद कहते हैं आलू बुखारा हम्म अच्छा हाँ। चलो खैर है जो भी है फ्रूट है यार आप लोगों को पता ही होगा कौन सा वाला फ्रूट है <laughs> <laughs> अक्सर हम ना नाम भूल जाते हैं ऐसे ना दि, दिमाग में होता है और जबान पे नहीं आ रहा होता तो खैर यहाँ पे फ्रूट चाट बन रही है और अम्मी का जब ज़्यादा मतलब हर तरह का फ्रूट घर में हो तो अम्मी कहती हैं फ्रूट चाट बना लेते हैं तो वो मम्मी को खाना ज्यादा पसंद आती है तो बस ये फ्रूट चाट बन गई थी और इसको रचने के बाद हमने खाया था मतलब मसाला वगैरह मिला के रख दिया था फ्रिज में और एक दो घंटे के बाद हमने किया था जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी थी फ्रूट चाट इस बार हमने अच्छा रमजानों में रमजानों में रमजानों ही बोलती हूँ कोई गलत वर्ड नहीं है खैर रमजान में ही हम लोग क्या कहते हैं फ्रूट चाट जो है ज्यादा खा कर रहे थे और बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे क्योंकि इस बार इतने अच्छे फ्रूट्स नहीं थे तो हम लोगों ने सिर्फ तरबूज ही खाया था पूरे रमजान और अब फ्रूट चाट बहुत मजे की बनी थी खैर काफी ओर से बात खाई थी और बड़ा मजा आया था खा के शौक से खाई थी सबने अच्छा अम्मी ने इधर बनाई थी बैगन की सब्जी और ये शादी बै, बैगन की सब्जी है जब बैगन की सब्जी बनती है तो अबू खाली बैगन की सब्जी खाना पसंद करते हैं हमें तराजी पसंद है या आप लोग कह सकते हैं हम लोग इसको तराजी कहते हैं बचपन से ही और काफी लोग इसको बैगन का रायता भी कहते हैं तो बस बैगन की जो भुजिया सिंपल बनी हुई है ना उसके अंदर अम्मी ने पुदीना अम्मी ने ऐड किया है पुदीना और दही ऐड कर दिया है आधी भुजिया के अंदर आधी अम्मी ने ऐसी प्लेन छोड़ दी है जो कि वो अब्बू खाएंगे अब्बू या फिर अम्मी खाते हैं में से और कोई नहीं खाता हम ये दही हम वाली ये दही वाली खाना पसंद करते हैं तो मतलब जब ये त, तलाजी बोल रही हूँ क्या ये बैगन बैगन की भुजिया बनती है सॉरी बैगन की भुजिया बनती है तो हम लोग इसके अंदर अम्मी से दही मिक्स करवा लेते हैं तो एक बार हम रोटी से खाते हैं दूसरे टाइम हम राइस के साथ खाते हैं हाँ। बहुत मज़ा आता है इसको खाने में ना तो ये बहुत मज़ेदार सी बनती है आप लोग भी कभी ट्राई करेगा अगर नहीं ट्राई किया बहुत सारे लोग हमारे घर के खाने देख के कहते हैं ये हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या ये हमने फर्स्ट टाइम ही uh, सुना, है, सुना है, है इस तरह का कॉम्बिनेशन और कुछ लोग नए नए नाम बताते हैं तो हमें हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो जाता है कि अच्छा आप लोग भी इस तरह से ट्राई करते हैं कुछ लोग कहते हैं हम इसमें ये ऐड करते हैं वो ऐड करते हैं अच्छा मैं बता तो दू अच्छा, इसमें बघाड़ लगाया है अम्मी ने ऑयल लिया था उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड किया और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर बस एड किया और देन बस उसे है लगा उससे बगाड़ लगा प्रोनाउंसिएशन बता दू इसको तलाजी कहते हैं हम लोग और आप लोग आप कैसे लो क्या क्या है? कहते हैं बत... ये बताइए अगर हाँ। आप लोग ये बनती है हाँ। आप लोग कह सकते हैं इसको बैगन का रायता सा ना मतलब कुक हुए हुए बैगन थे और उसका रायता है अच्छा अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट मॉर्निंग पे वो रात का खाना था हमारा और नेक्स्ट मॉर्निंग पे हमने मंगवाई थी हलवा पूरी और ये हलवा पूरी कम इसलिए है कि सिर्फ हम तीन तीन लोगों के लिए आई थी है। बाकी तीन लोग नाश्ता कर चुके हाँ, थे। बाकी बड़े वाले लोग नाश्ता कर चुके थे हम छोटे वाले बच्चे हर के लोग नाश्ता कर चुके थे।, <laughs> थे बाकी हम तीन जो थे हमने नाश्ता नहीं किया था हम देर वजह से हम लोगों ने पूरी अपने लिए मंगवाई थी और हम देर से भी सो के उठे थे तो बस हमारे लिए आई थी ये छोले वाली तरकारी हम लोग यही खाते हैं शौक़ से आलू वाली नहीं खाते हैं शौक़ से वो मतलब हम पसंद जो छोटे वाले हैं ना छोटे वाले जो वर्जन है मतलब मैं निहाल और अपिया हम ना आलू की नहीं खाते तरकारी और हम चने की खाना पसंद करते हैं बाकी जो हमारे यानी भाई अम्मी अबू हैं वो छोले की और आलू की मिक्स करके खाते हैं तो सबकी अलग अलग चॉइस होती है तो उस हिसाब से ही हम मंगवा लेते हैं तो खैर निहाल से हमने मंगवा ली थी ये चने वाली तरकारी और हलवा पूरी और इतनी <laughs> सारी क्वांटिटी में आया यार सिर्फ हम तीन के लिए ही तो आया था और लाइट से बातें तो थोड़ा सा ही आया था मैं मुझे खुद हंसी आ गई थी इसको निकालने के बाद मैंने कही तो तो इतना सा आएगा यार टेबल स्पून के बराबर तो खैर नेहा ला, लाया ही इतना था तो क्योंकि सिर्फ हम तीनों ने खाना था और हम लोग पूरी थोड़ी कड़क कड़क खाना पसंद करते हैं अच्छा मैंने एक जगह पे सुना था कि कड़क पूरी जो होती है उसके अंदर जाया बहुत होती है किसी की वीडियो में मैंने सुना था तो कड़क पूरी नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसके भोरे बहुत ज्यादा

तो ऐसा नहीं है और कि हम अगर रिस्क बिल्कुल जाया हाँ करने बिल्कुल के हक में नहीं, नहीं है। हैं। कहते जाया करते हैं अगर एक चीज है कुछ मिट्टी विट्टी में गिर जाए तब तो जाहिर सी बातें हम खुद उठा के साइड पे रख देते हैं लेकिन अगर दस्तखान पे आपके कुछ भोरे गिरे हैं रोटी के या चावलों के तो उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए उसे खा लेना चाहिए तो वो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होती है तो खैर ये एक बात थी तो दिमाग में आ गई तो शेयर कर दिया आप लोगों से अच्छा उसके बाद ये आ गया सफ़ाई का टाइम <laughs> <laughs> सफाइयाँ हो रही हैं जी तो मासी नहीं आ रही है तो इस वजह से सफाइयाँ हो रही हैं और जोया दे रही थी झाड़ू मैं बता दूँ तो खड़े हो दे रही थी जोया झाड़ू क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी मैंने बोला भैया बैठ के नहीं दूंगी ऐसे नहीं मुझे मैंने कहा देखो हम सिर्फ खाना खाना शेयर करते हैं तो ये सफाई वाला भी तो काम दिखाया करो ना तो मैंने कहा का, मैं अच्छा मैं का। <laughs> कैसा काम करती हैं अगर वो आगे अच्छा काम करेंगी तो स्टे भी करेंगी नहीं करेंगी तो दो दिन में पारक हो जाएंगी तो खैर देखते हैं क्या होता है ना तो बस यहाँ पे जो है सफाई कर रही है तो मैंने कहा बेटा सफाई वफाई कर लो ऐसा न हो मासी बोले बहुत गंदे सुंदे से लोग हैं <laughs> अच्छा ये मैं साफ कर रही थी ये हमारा वेटिंग स्केल है जो कि यार ये हमारे मेरे बचपन का है आ नहीं बचपन के उससे भी पुराना कह सकते नहीं, मतलब नहीं अब जब मैं छोटी थी अबू ने तभी मुझे ला के अच्छा, दिया था मैं और, हाँ, तो बहुत ही मुन्नी क्या कहते हैं खेलती हुई हुआ करती थी मैं, मैं खेलने के टाइम भी बेकिंग पे लग गई थी असल में मैं ना फॉलो किया करती थी इंग्लिश रेसिपीज तो वो जो इंग्लिश रेसिपीज होती थी ना सारी ग्राम्स में और ऑनस में होती थी तो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था तो अबू ने मुझे ये जम्बो डेकर टाइप का ना एक वेटिंग स्केल ला दिया था और अम्मी को भी इसलिए आदत है ग्राम्स में नापने की ना मतलब दाल चावल हर चीज अम्मी ग्राम्स में ही मेजर करती हैं तो ये हमारे ना घर में कॉमन में ही रखा होता है काफी गंदा हो रहा था मैंने कहा साफ कर दो क्योंकि अब तो दूसरे स्केल्स हम लोग यूज कर रहे होते हैं जो रख के दिखा रही है अभी भी काम कर रहा है ना हाँ। अच्छा इसके ऊपर आप... जो डिजिटल होते हैं अब तो हम वो यूज़ करते हैं हाँ। लेकिन जो हैवी वाली चीजें यूज करने मतलब मेजर करनी होती है, है ना। मतलब ज्यादा वजन वाली जैसे कि अम्मी गोश वगैरह आता है उसके हिस्से करके रखने होते हैं ना अपनी फैमिली के हिसाब से हम लोग इसी तरह से रखते हैं तो गोश्त सब्जी वगैरह और इस टाइप की चीजें इसके ऊपर हम मेजर कर लेते हैं मतलब किलो किलो के हिसाब से जो चीज़ें स्पेस ज्यादा है ना इसका स्पेस ज्यादा है और इस हिसाब से कर लेते हैं तो खैर मैं अपने बचपन में ये वाला स्केल यूज़ किया करती थी ये हमारे किचन में ही रखा रहता था और इसको ही मैं यूज़ किया करती थी काफ़ी बड़े साइज़ का है और क्या कहते हैं इसके ऊपर काफ़ी अच्छा मतलब मैंने टाइम गुजारा है पहले यही यूज़ किया है पहले नहीं सालों तक यूज़ किया है और उसके बाद जब ये डिजिटल टाइप के आने लगे क्या कहते हैं हमारे जो स्केल्स होते हैं वेटिंग स्केल्स तो फिर वो मैंने लेने स्टार्ट किए तो फिर इसको यूज़ करना छोड़ दिया लेकिन अभी भी घर का हिस्सा ही है और घर में यूज़ होता है अब जैसे बकर के दिनों में सबसे ज़्यादा कार चीज़ होती है हमारे लिए <laughs> वो इजी होता हाँ, है इजी हो जाता ये है कि अगर उस पर कुछ ब्लड लग भी जाता है तो इजीली साफ़ भी हो जाता है हाँ, और इस पर आप ज़्यादा चीज़ लग के ना मेजर कर सकते हैं तो एक ये था हमारा बचपन का वेटिंग इसकेला अच्छा, चाहिए दोपहर का टाइम है दोपहर में हम लोग ये बैगन की सब्ज़ी और चावल के साथ हम लोगों ने एन्जॉय की थी क्योंकि चावल ही इसके साथ अच्छे लगते हैं साथ में अचार है और अचार की बोतल चेंज है इस बार हमारी अचार की बोतल पता नहीं कैसी आई हम ऊपर से पकड़ के दे रहे तो हमें नहीं दूसरे को डांट पड़ गई थी क्योंकि वो उसका ढकना इतना लूज था उसका ऑयल सारा दस्तान हुआ पे पे था मैं था। बता देती हूँ क्या हुआ था एक ही दिन पे हुआ था मतलब एक बार निहाल ने बॉटल उठा के साइड पे रखी तो बॉटल पूरी गिर गई एकदम ना दस्तर खान पर उसका ऑयल गिर गया फिर उसके बाद उसी वक्त थोड़ी देर के बाद ही ना पाँच मिनट के बाद ही ना अपिया ने बॉटल पास करने लगी अम्मी को तो वो बॉटल पूरी गिर गई और उसका ना इतना सारा ऑयल गिर गया दस्ताखान पर ही तो हमने बोला भाई ये इसकी बॉटल के साथ ही मसला है ये हमसे नहीं गया फिर हमने इसकी बॉटल चेंज कर दी तो ये शहद की बॉटल थी इसके अंदर मैंने ये अच्छा दिया और वो वाली बॉटल फेंक दी क्योंकि सारा ऑयल तो इसका इतना सारा गिर ही गया था हाँ। और कैप ना लूज था तो पहली बार तो निहाल को डांट पड़ गई थी और फिर मुझे भी यही हुआ, हुआ कि शायद मैंने कैब बंद नहीं किया था और मैंने ऐसे ऊपर से उठा लिया वो बार बार गिरे जा रही थी नहीं लेकिन फिर बाद में उसकी लिड ना मतलब उसका कैब तो फिर वो बहुत लूज था बहुत लूज था तो इसकी वजह से वो बार बार वो गिर रही थी और बार बार उसका ऑयल बेचारा गिर, <laughs> गिर गया था काफी सारा ऑयल गिर गया और ये है जी ये हमारी चाय का टाइम शाम का टाइम और हमारी चाय पी रहे थे हम लोग चाय पी रहे थे और साथ में हमने मंगवा लिए थे जीरे के बिस्किट्स क्योंकि चाय के साथ ना कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए होता है हाँ आपको पता है हम हर वक्त खाते रहते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं आप हर वक्त खाते रहते हैं आप लोग तो, तो नहीं नहीं यार बीच बीच में बहुत सारे काम भी करते हैं और वो और वाले काम हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते बात ये है आपको पता है ना मेरा काम कैसा है वो रिकॉर्ड करूंगी तो फिर फायदा क्या है मेरा काम <laughs> करने का ना वो दूसरे वाले चैनल की रिकॉर्डिंग चल रही होती है उसमें काफी अलावा भी अपने घर के भी बहुत सारे बहुत सारे काम होते हैं तो खैर वो तो हम बिजी रहते ही है और खाते पीते रहते हैं और आप लोग भी खाया पिया करें जरा इंजॉय किया करें अपनी लाइफ को और खैर इसी के साथ कर देते हैं अपने ब्लॉग को एंड आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा अगर अच्छा लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा साथ साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू फॉर हाफिज़